अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट जरूर देखा है, पर अगर नहीं तो इसे यहीं पॉज करके इसका पहला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। पिछले पार्ट में देखा कि एंजी को अटैक के बाद होश आने पर जेम्स उसे डोम का एक सीक्रेट रिवील करता है कि क्यों वो सही था कि डोम के आने के बाद से वो इतना अलग बर्ताव कर रही है, क्योंकि उसकी मॉम भी अचानक से अजीब बर्ताव करने लगी थी और वो अजीब तरह के पिंक स्टार्स के पेंटिंग्स बनाया करती थी, ठीक वही जो वो अपने अटैक में बड़बड़ा रही थी। पर एंजी को अब भी जेम्स पागल लगता है और उसे इग्नोर करके चली जाती है। अब आगे जो और नोरी को क्लियर होता है कि डोम को वहाँ से गायब करके जोई के बैकग्राउंड में छिपाने वाला जोई खुद है, जिसने स्लीप वॉकिंग में इसे यहाँ छिपा दिया, यानी कि डोम एक तरह से नहीं चाहता कि कोई और उसे टच या देखे भी, इसलिए उसने किसी तरह जोई को हिप्नोटाइज करके उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए आगे जब डूडी को इसका पता चलता है और इसे टच करती है तो डोम झटके में उसे जैप कर देता है। अब एंजी को भी इसके बारे में पता चलने पर वो धीरे धीरे सब समझने लगती है। अब जब तीनों साथ में डोम को क्यूरियोसिटी में हाथ लगाते हैं तो डोम का एक और सीक्रेट अनवेल होता है कि इसे एक्टिवेट करने के लिए चौथे पर्सन की जरूरत है, यानी कि उन्हें उसे ढूंढना है जिसे उनके तरह अटैक आया हो, जिसके बारे में एंजी को हॉस्पिटल से पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जेम्स खुद है, जो जानने के बाद एंजी एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो आखिरी पागल इंसान है जो वो एक्सेप्ट कर रही थी डोम से कनेक्टेड। अब हमें समझ आता है कि उस पेंटिंग में पिंक स्टार्स के साथ वो और कोई नहीं बल्कि बचपन का जेम्स ही है और उसे बचपन के वक्त में पिंक स्टार्स का अटैक आया करता था। ऊपर से अगली सुबह उन्हें डोम में एक कैटरपिलर दिखाई देने लगता है जो शायद एक मोनार्क तितली में बदलने वाला है। एज एन ऑडियंस हमें अब रियलाइज होता है कि जूलिया भी डोम से कनेक्टेड है, क्योंकि अब तक वही लोग डोम को छू और डोम के संदेश को सुन पाते हैं जो इससे कनेक्टेड है, और डूडी की तरह जूलिया को डोम ने झटका नहीं दिया और उसी को वो मैसेज सुनाई दिया था। पर सबसे कंफ्यूजिंग बात ये कि अब तक डोम में सिर्फ उन्हीं का कनेक्शन था जिन्होंने वो अटैक अनुभव किया, जो जूलिया के साथ कभी घटा भी नहीं। इसका मिस्ट्री अगले सीजन में रिवील होता है। अब उनके पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए जेम्स को सब समझाने के बाद चारों जैसे ही डोम को टच करते हैं उनके इर्द गिर्द पिंक स्टार्स होलोग्राम की तरह तारामंडल बनाने लगते हैं। इतना कम नहीं था कि अगले दिन वो कैटरपिलर ककून में बदल जाता है, यानी कि उनका कैटरपिलर का मोनार्क में बदलना थ्योरी सही है। वहीं सिंह जूलिया को पीटर के बारे में अब पता है, वो अब मैक्स के ब्लैकमेल से नहीं डरता, पर बार्बी इस बात से अनजान कि मैक्स एकदम सनकी है जो जूलिया को शूट कर देती है, जिसके कारण बार्बी ने उसे छोड़ा। और अब अचानक से टाउन में बवंडर शुरू होने लगता है, किसी को कुछ खबर नहीं कि ये आया कहां से। सबसे पहले बार्बी और जोई जूलिया को किसी तरह हॉस्पिटलाइज करते हैं, जहां लकीली थोड़ी देर बाद जूलिया में जान लौट आती है, पर वो अब भी अनकॉन्शियस होती है। पर फिर विदाउट वार्निंग चमत्कार तरीके से वो बवंडर भी रुक जाता है, क्योंकि अब मैक्स ने हद कर दी होती है, इसलिए बार्बी ना चाहते हुए भी जिम के साथ मिलकर मैक्स से पीछा छुड़ाने का तय करता है। वहीं दूसरी तरफ लिंडा फिल के साथ जूलिया के घर पहुंचती है बार्बी से सवाल करने के लिए, जहां खून देखने के बाद फिल यही कंक्लूजन निकालता है कि शायद जूलिया को बार्बी की सच्चाई के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने जूलिया को भी मारकर उसकी लाश ठिकाने लगाने का तय किया। फिल बार्बी के बारे में सब कुछ जानता है, जो वो फाइनली लिंडा को रिवील करता है, और अब दोनों तुरंत बार्बी की तलाश में निकल पड़ते हैं। यहाँ दोनों मैक्स को कैप्चर करने में सफल हो जाते हैं, पर जिम अपनी एक वार से दो शिकार की चाल चल जाता है, वो मैक्स को वहीं खत्म कर देता है। और इन टर्न जब बार्बी अपने बचाव के लिए उस पर गन तानता है, उसी समय लिंडा आ जाती है और चालाक जिम सारा इल्जाम बार्बी पर डाल देता है। अब लिंडा उसके बातों पर बिना सबूत के यकीन नहीं करेगी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे भागना पड़ता है। और उसके तुरंत बाद जिम स्मार्टली रेडियो पर बार्बी के अगेंस्ट ऐलान कर देता है कि उसने पीटर और मैक्स की हत्या की और अब पुलिस उसके पीछे है। इसी दौरान चारों एकदम कंफ्यूज कि स्टॉर्म आया कहां से और अचानक से गायब भी कैसे हो गया। चारों इसी सोच में कि डोम से छुटकारा कैसे पाया जाए, सिंस अब तक डोम को छूने पर उन्हें कुछ नया पता चला है, इसलिए चारों डोम से सवाल करने का तय करते हैं। पर पिछली बार जब दोनों ने ट्राई किया था तो वो काम नहीं किया। फिर तभी जो दिमाग लगाता है कि अगर डोम में दिखने वाले पिंक स्टार्स वो है तो उन्हें इसके पैटर्न को फॉलो करते हुए डोम के उसी हिस्से से सवाल करना चाहिए, जो एक्चुअली में काम भी कर जाता है, क्योंकि उनके डोम को छूने और सवाल करने पर जख्मी जिम और उनके हाथों में चाकू नजर आने लगता है। मानो डोम उन्हें कहना चाहता हो कि उन्हें जिम की जान लेनी पड़ेगी, पर क्यों हमें कुछ देर में समझेगा। यहाँ इन सब के बीच डूडी को फिर से आर्मी का सिग्नल कैच होता है, पर उसे इस बार बड़ी जानकारी का पता चलता है कि आर्मी को एग के बारे में पहले से पता है, जिस पर उन्होंने अपनी नजर शुरुआत से बनाई रखी थी, पर जो के उसे छिपा देने के कारण अब वो उसके खोज में है और खास करके वो बार्बी की तलाश में है, क्योंकि उनके हिसाब से वो एग और बार्बी किसी मिस्टीरियस कारण
ब्रांड से कनेक्टेड हैं। डूडी तुरंत जिम को रिपोर्ट करती है और खास करके उसे एग के बारे में बताती है, जिसकी मदद से शायद डोम से छुटकारा पाया जा सकता है। पर जिम ऐसा होने नहीं दे सकता, क्योंकि डोम के ही कारण एक तरह से वो टाउन का फेवरेट बन सका है और इसके बिना वो फिर से कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए खुद भी आर्मी के सिग्नल को ट्रैक करने लगता है और तभी उसे सुनाई देता है कि आर्मी ने उसे रेवरेंट को मारते देख लिया, जो डूडी भी सुन लेती है। अब इससे पहले कि वो टाउन को उसकी क्राइम के बारे में बताए, वो उसे भी बिना मर्सी दिखाए स्टेशन के साथ आग के हवाले कर देता है, जिसका इल्जाम वो फिर से बार्बी पर डाल देता है, जिस पर बेवकूफ लिंडा आग बन करके यकीन कर लेती है। वहीं बार्बी किसी तरह बचते बचाते एंजी को वार्न करता है कि जिम अब जूलिया को मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि वही एक है जो उसे निर्दोष साबित कर सकती है और जिम के झूठ का पर्दाफाश कर सकती है। इससे पहले कि ऐसा हो, दोनों सही समय पर उसे हॉस्पिटल से रेस्क्यू कर लेते हैं और जूलिया को लकीली बाद में होश आ जाता है। पर अब वो छोटा वाला डोम फिर से अजीब बिहेव करने लगता है और फाइनली उस कोकून से एक मोनार्क तितली जन्म लेता है, पर वो डोम से आजाद नहीं हो पाता, जिसके डोम से टकराने पर डोम में अंधेरा छाने लगता है। सबसे भयंकर बात कि टाउन का डोम भी अंधेरे में छा जाता है। अब लिंडा को इसका पता चलने पर वो तुरंत जिम को रिपोर्ट कर देती है और डोम को अपने कस्टडी में लेने पड़ती है, पर क्योंकि डोम से जुड़े लोग ही सिर्फ उसे छू सकते हैं, डोम उसे भी डूडी की तरह जैप कर देता है। अब इससे पहले कि जिम इसे अपने कब्जे में ले ले, सभी इसे सीमेंट फैक्ट्री छिपाने का तय करते हैं और जेम्स को भी अपने प्लान में कन्विंस कर लेते हैं। वहीं लिंडा अब भी उनकी तलाश में उसे जो के बार्नयार्ड में वही स्टार्स के पैटर्न और दीवार पर वही मैसेज लिखाई देता है, जिसे वो तुरंत फिर से जेम को रिपोर्ट करती है, जो जानने के बाद जिम मानो शॉक में चला जाता है। सीरीज में अब एक और बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि जिम की पत्नी मरने से पहले इसका चित्र बनाया करती थी। इसका मतलब उन्हें इसके बारे में पहले से ही पता था और उन्हें वार्न करने की कोशिश कर रही थी। उनका एक्सीडेंट भी हमें एज एन ऑडियंस एक कंस्पिरेसी लगने लगता है कि क्या सच में उन्होंने आत्महत्या की या किसी ने उनकी जान ली। ये वाली मिस्ट्री अगले सीजन में रिवील होगी। अब सभी सीमेंट फैक्ट्री पहुंचने पर वो डोम फिर से जगमगाने लगता है। इस बार जब चारों उस पर हाथ रखते हैं, वो एक तेज रोशनी के बाद डोम फूट जाता है और वो मोनार्क आजाद हो जाता है, पर अब एक तेजी से शेक करने लगता है। पर हैरानी की बात कि जूलिया के उठाने पर वो एकदम शांत हो जाता है और वो मोनार्क जूलिया के इर्द गिर्द मंडराने लगता है, यानी कि जूलिया ही वही मोनार्क है। अब हमें समझ आता है कि डोम उन्हें जिम को मारने का इशारा क्यों कर रहा था, क्योंकि जिम जूलिया को मारने के पीछे था। वो बवंडर भी जूलिया के घायल होने पर शुरू हुआ और उसके होश आने पर चला भी गया। अब कोई आइडिया नहीं कि उन्हें आगे करना क्या चाहिए, इसलिए जेम्स एक को अपने कब्जे में लेने पड़ता है। पर बार्बी खुद को बलिदान देकर सभी को भागने में मदद करता है। एस्केप करने के बाद अब भी कंफ्यूजन में कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, इसलिए नोरी फिर से एक से सवाल करती है और इस बार उनके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने नोरी की मॉम एलिस प्रकट होती है। पर बाद में उन्हें समझ आता है कि वो उसकी मॉम नहीं, बल्कि उस एग से निकला कोई स्पीसीज है, जो इंसानों से बेस्ट वे पॉसिबल कम्युनिकेट करने के लिए उनका रूप लिया। उन्हें पहली बार उस स्पीसीज से जवाब मिलता है कि डोम उन्हें पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बचाने के लिए है। पर आखिर किससे ये समय पर छोड़ देती है और वो उन्हें इस डार्कनेस से छुटकारा पाने का तरीका पहेली में शेयर करके गायब हो जाती है, जिसका सरल मतलब है कि उन्हें एग को हर हालत में सेफ रखना है। वहीं दूसरी तरफ जिम खुद को टाउन के लोगों का काबिल लीडर घोषित करने के लिए बार्बी को सरेआम पुराने कानून की तरह सजा देने का तय करता है, पर इससे पहले ही जूलिया उस पहेली को सुलझा देती है और एग को सेफ रखने के इरादे से उसे टाउन के एक लेक में डाल देती है, जिससे अब लाखों में पिंक स्टार ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जगमगाने लगते हैं, जिसके कारण पूरा डोम पिंक रंग में भर जाता है और फाइनली डोम का डार्कनेस धीरे धीरे गायब हो जाता है और फिर पहला सीजन यहीं एंड हो जाता है। अब थोड़ा समराइज करते हैं कि पहले सीजन में क्या क्या हुआ। पहला क्लाइमेक्स की डोम ने वही समय क्यों चूज किया टाउन को कवर करने का, मेरे ख्याल से क्योंकि नोरी उस समय टाउन से गुजर रही थी, क्योंकि वो स्पीसीज किसी कारण से सभी को एक साथ डोम में चाहता था। डोम के सुपर पावर से हमें ये भी समझ आता है कि डोम में कम्युनिकेट करने की पावर और इंसानों से इंटरेक्ट करने के लिए वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है और इंसानों को हिप्नोटाइज भी कर सकता है, पर उनका असली रूप अब भी रिवील नहीं हुआ। अगला कि जेम्स की मॉम इसलिए वो पेंटिंग्स बनाने लगती है क्योंकि जेम्स बचपन में पिंक स्टार्स के अटैक आया करते थे। ये जरूर उसकी मॉम ने गौर किया था, जो उसे भी हॉन्ट करने लगी। पर सीजन वन खत्म होने पर कुछ मिस्ट्री आगे के सीजन में रिवील होंगी, जैसे मिलिट्री का एक्स से क्या रिलेशन है और वो खास करके बार्बी से कैसे कनेक्टेड है, वो क्यों उसे इतना बैडली खोज रहे हैं, आखिर किस ट्रिगर पॉइंट पर आर्मी ने डोम को डिस्ट्रॉय करने का तय किया। वो चाहते तो पहले भी कर सकते थे, तो उन्होंने बाद में ऐसा क्यों करने का निश्चय किया। वो एग या स्पीसीज आए कहां से, उन्हें चाहिए क्या, और उस ब्लैक एग में आखिर है क्या।
क्या और यही लोग कैसे डोम से रिलेटेड है। सबसे जरूरी बात कि मोनार्क बटरफ्लाई और उन स्पीसीज का क्या कनेक्शन है, क्या जेम्स की मॉम ने सच में खुदकुशी की थी और नोरी की एक्चुअल कहानी क्या है और आगे उस एक का क्या होगा, ये सारी मिस्ट्री आगे के सीजन में रिवील होगा। आई एम नॉट श्योर कि ये आपको कैसी लगी पर मुझे ये अननेसेसरली लंबी लगी। रियलिटी में ये पूरा सीजन 5 एपिसोड्स में खत्म हो जाना था अगर इसमें इतने अनवांटेड ड्रामा नहीं ऐड किए होते। बट इसके आगे के कुछ एपिसोड्स मैंने देखे हैं और मुझे वो पहले सीजन से बेटर लगी, इसलिए अगर आपको इसकी आगे की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मुझे कमेंट में येस और अगर नहीं तो नो टाइप जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइस इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप जानते हो कि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी वीडियो पाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए और मेरे वीडियो के अगेंस्ट अप्रिशिएशन दिखाना चाहते हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।